चौथा अध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूर्य जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें? उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहां तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रम धर्म से रहित दंभी दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान ब्रह्म हत्या सुवर्ण की चोरी गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात ये पांच महापाप करने वाले छल छद्म परायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी।
इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। दो घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा।
यों कहकर वे योगिराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही, वह रो रोकर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब मालमत्ता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हां खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूं, बहन मैं क्या करूं। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह, तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे, हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव वश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरे बहन के अभी बालक हुआ था वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहां रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है, कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था।
क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता रहता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थाई समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया।